राजनांदगांव के ग्राम कमरा खोल के एक बैगा बुधराम ने 10 सितंबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आरोप लगाया वन विकास निगम के कर्मचारियों के प्रताड़ना से तंग आकर बुधराम ने आत्महत्या की। बता दें बुधराम पर सागुन के पेड़ काटने का आरोप था, जिस मामले को रफा दफा करने के लिए विभाग के कर्मचारी 50,000 रूपए की मांग कर रहे थे, जिसे दिपाने में असमर्थ बुधराम ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि बुधराम की मौत के बाद राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ग्राम कमरा खोल जाकर परिजनों से मिले, जहां एसपी को फोन पर अपराध दर्ज कर कार्रवाई की मांग की, लेकिन घटना को 15 दिन बीत जाने पर किसी तरह की कार्रवाई न होने से नाराजगी व्यक्त की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए सांसद संतोष पांडे ने कहा, जब लखीमपुर में 50 लाख की सहायता पीड़ित परिवार को दे सकते हैं तो छत्तीसगढ़ के आरक्षित बैगा समुदाय के पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और 1.5 करोड़ की सहायता परिवार को देनी चाहिए। आप सबसे भेंट वार्ता यही था। ये कबीरधाम जिले में कमरा खोल में एक आरक्षित बैगा आदिवासी समाज से बुधराम बैगा ने जो आत्महत्या किया वो बड़ा दुखद है और इस प्रदेश के भ्रष्टाचार उस सिस्टम का भेंट चढ़ गया। उनसे 50,000 की डिमांड की गई थी, वो कुछ पैसे तो एकत्रित करके देना चाहा।